तो गाइस हमने अब ताजमहल देख लिया, अब हम आए हैं आगरा फोर्ट देखने के लिए और यहाँ पर भी अच्छा खासा रश है। ये देखिए अब आ गया हूँ मैं आगरा फोर्ट के अंदर, लेकिन ये आगरा फोर्ट बहुत कमाल का है। फोर्ट फोर मुगल किंग के थ्रू 95 ईयर में बनकर कंप्लीट हुआ। फर्स्ट गेट जहां से अभी आपने एंट्री की अमर सिंह गेट, सेकंड गेट जहां अभी हम लोग खड़े वेलकम गेट, थर्ड गेट ये है अकबरी गेट। आप नोटिस कीजिए ये तीनों गेट स्ट्रेट नहीं बनाए गए, एस कैपिटल शेप में जिगजैग में, ताकि कोई दुश्मन फोर्ट के अंदर डायरेक्ट एंट्री ना कर सके। आपने देखो होगा फ्लोर में लाइनिंग है, कोई डेकोरेशन नहीं। मुगल समय में ना ही फोर व्हीलर ना ही टू व्हीलर एलिफेंट पर सवार किया करते, पांव स्लिप में हो जाए तो स्पीड ग्रिप कर दिया गया ग्रिप के लिए। वीर जी देखो होगा आपने घोड़े के पैर के नीचे आयरन का नाम होता है, तो रूप पर रनिंग करता है, एक साउंड होता है, तक 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 वही साउंड अंदर में आता है, अभी आपको दिखाएंगे। और वीर जी ये ऊपर में जो विंडो नजर आ रहा है, रॉयल फैमिली जब सेकेंड गेट से पैलेस के अंदर में आता है तो दासी लोग यहाँ विंडो पर खड़े होकर उनके लिए फ्लावर करता है। ये देखो भाई, ये आपने देखो होगा फ्लोर में जो लाइनिंग हॉर्स के नीचे पाँव में, हाँ वो आयरन होता है, रोड पर रनिंग करता है, एक साउंड देता है टक टक, वही साउंड यहाँ भी होता है। रॉयल फैमिली जब एंट्रेंस होता है इसी साउंड से आर्मी अलर्ट होता है उनके वेलकम के लिए। इन केस कोई दुश्मन तीन गेट क्रॉस करके पैलेस में आ भी जाता इसी साउंड से आर्मी अलर्ट होता, बड़े बड़े पत्थर के रोल छोड़ता ताकि दुश्मन पीछे हो जाए, लेकिन दुश्मन पत्थर से बचने के लिए दीवार की साइड में था ताकि पत्थर बाजू से निकल जाए। दोनों साइडों में कैमरे दिए, वन साइड हॉट ऑयल, सेकंड साइड हॉट, क्या है वो हॉट ऑयल के लिए, अच्छा तेल तेल सेट देते थे गरम। जब उनका पांव चलेगा वो मिडिल में आएगा, जो रोल डाउन किया जा रहा है उसके नीचे आप स्ट्रेट में देखिए बिग गेट, बैक साइड देखिए स्मॉल गेट। बाहर से कोई और सेना अंदर एंट्री ना ले, रोलर गेट के अंदर फिट हो जाएंगे, लॉक कर देंगे बाहर की सेना बाहर की साइड खड़ी। फोर्ट कवर किया अकबर ने 2.5 किलोमीटर राउंड में, अपने ही समय में 2 पार्टली डिवाइड, 75% भी अपनी आर्मी को फोर्ट की सेफ्टी के लिए, 25% में पूरा रॉयल पैलेस बना, जो कि हम लोग 25% विजिट करेंगे, 75% में आज भी इंडियन आर्मी, किसी टूरिस्ट का एंट्री नहीं है वहाँ। मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, नाउ इंडियन आर्मी, चाहे इंडियन टूरिस्ट हो या फॉरनर टूरिस्ट, किसी का भी वहाँ परमिशन नहीं है। उसके अंदर कुछ बना आर्मी के बैरिक्स बने थे छोटे छोटे, रॉयल फैमिली का कोई पैलेस नहीं है। गर्मी यहाँ पे भी बहुत है, चल चल के पैर दर्द होने लग गए हैं। अब तो पहले ताजमहल देखा, अब ये आगरा फोर्ट देख रहे हैं। जहांगीर जब पैदा हुए उसके मामा ने उसको गुप्तों में स्नान करने के लिए दिया जी। इसका ब्यूटी क्या है, ये जो जी बना हुआ इसका ब्यूटी क्या है, इसके अंदर 6 स्टेप्स है, 3 अंदर 3 बाहर, नो जॉइंट, सिंगल पीस स्टोन। ये देखो जी, ये देखो 3 स्टेप इसके बाहर में है। अमन भाई मोबाइल देना, ऑफ करो, रूम नजर आ रहा है वीर जी आपको, ये जहांगीर की बैठक यानी ये ओपन है पूरा। लेकिन मुगल समय में लकड़ी के लोहे के कोई दरवाजे नहीं हुआ करते, ओनली कर्टन सिस्टम पर्दे लगाया करते इसके अंदर में। ये जो देखेंगे आप अपने वेबसाइट में अकबर जहांगीर ऊपर स्मॉल स्मॉल विंडो नजर आएंगे, अपने किंग के साथ बैठ कर इस हॉल के अंदर में एंटरटेनमेंट किया करते, मुजरा देखा करते, नाच गाना। अकबर ने इस पैलेस का सेकंड नाम दिया रंग महल, यानी मुगल टाइम में कोई भी फेस्टिवल हुआ करता इस हॉल के अंदर में एंटरटेनमेंट किया करता। अकबर का बेटा सलीम बड़ा हुआ, अकबर ने अपने बेटे सलीम को हवा महल गिफ्ट किया विदाउट लाइट के एसी रूम। आपने शायद जयपुर में पूरे पैलेस पर विंडो बनाया, बट आगरा फोर्ट में नॉट विंडो ओनली वॉल का कमाल, विदाउट लाइट के एसी रूम कैसा वर्क किया करते अभी आपको ले जाकर दिखाएंगे। ये होल जो देख रहे हैं वीर जी आप, पॉइंट पॉइंट पर ड्रेनिंग सिस्टम, बारिश का जो पानी आता है डायरेक्ट वाटर मोड के अंदर, तभी तो बना हुआ है। हाँ हाँ, ये हर बिल्डिंग में, चाहे आप राजपूत की बिल्डिंग देखें, मुगल की बिल्डिंग देखें, मराठाओं की बिल्डिंग देखें, क्योंकि जब तक ड्रेनेज बाहर नहीं जाएगा तो वाटर का क्या करेंगे, इसलिए ये सारा ड्रेनेज इतना हैवी है कि आज कितना भी बारिश हो जाए यहाँ रुक नहीं सकता पानी। आप आइए,
मोबाइल। हेलो भैया, साउंड सुनिएगा आपको कैसा महसूस होता है कि अंदर से हॉलो है, खाली खाली है, खोखला है। इसका डबल वॉल बनाया गया इस तरीके से, उसके बीच में गया मुगल समय में वाटर टैंक के थ्रू वॉल पर जब वाटर को फिल करके एयर चलता है, एयर कंडीशन रूम एसी के माफिक काम करता है। इसमें अपना पानी इसके वॉल के अंदर में पानी भरते हैं, जब हवा चलती तो ठंडा ठंडा कूलिंग। अच्छा, मतलब कि दीवारें ठंडी हो जाती हैं, गीले हो जाती हैं। अच्छा, वो सलाब वाला मतलब जैसे सीलन वगैरह, सीलन के लिए भी आपको एक उपाय है, आगे दिखाऊंगा। एसी रूम के तीन रूम, पहला दूसरा तीसरा बाहर। लेकिन यूजली जब इस वॉल के अंदर में वाटर को फिल करेंगे, जब तक एयर नहीं जाएगा वाटर कूल नहीं होगा। ये देखिए वॉल में कोई होल नहीं, लेकिन आगरा फोर्ट के अंदर विद गाइड विदाउट गाइड एनी टाइम कभी भी आप आए, दो बिल्डिंग नहीं घूम सकते। यहाँ आप दोनों लोग ये बताइए, विंडो ओपन है या क्लोज है? ऊपर वाली जी, ये यहाँ से क्लोज लग रही है या नीचे से ओपन? नहीं, ये कैसी है? क्लोज अमल है, क्लोज है। आप लोग यहीं रुकिएगा। आ गया सिक्का, आ गया। अच्छा, मतलब कि हाँ अंदर से खाली है। हाँ हाँ, वेल्टी ने अच्छा, क्या बात है। थैंक यू। ये जो स्लाइड देखते हैं आप मुगल टाइम में, नो स्लाइड ओनली होल। होल से जब एयर टकराता है डायरेक्ट होल के अंदर, वाटर को कूल करता है, एयर कंडीशन रूम एसी के वहाँ पर काम करता है। ओके, अरे ये प्लांट नहीं था मुगल में? अच्छा, आप ही लोगों ने मार मार के लग रहा है गया। अच्छा, ये उनकी बेटी का है, छोटी बेटी, छोटी बेटी का। ऊपर से सारा गोल्ड से कवर था। अच्छा जी, जो अभी ये गोल्ड नहीं है, डैमेज हो गया तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर में डुप्लीकेट ये चादर। अच्छा, क्योंकि 1803 में बताया जाता है ब्रिटिश ने जब अटैक किया। अच्छा, तो सारा डैमेज कर निकाल कर लेकर डुप्लीकेट चादर लगाया इसके अंदर। साइड में छोटी बेटी रोशनारा का पैलेस, ये बड़ी बेटी जहानारा का पैलेस, सेम ही है, सेम लुक, सेम है। ओ भाई साहब, क्राउड देखो आप। अभी आप भी ऐसे खड़े हो भाई साहब। ये जो देख रहे हैं वाइट बिल्डिंग, मुसम्मन बुर्ज, शाहजहां का जेल, शाहजहां को उनके जेल, शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने अपने फादर को 8 इयर्स के लिए हाउस अरेस्ट किया। यहाँ पे क्या कोई है पूरा ये पॉइंट, लेकिन हाथ में कोई अथकली नहीं, पाँव में कोई बेड़ी नहीं, सोल्जर्स रफा करते थे। कोर्ट से बाहर जाने का परमिशन नहीं, कोर्ट में ही रहा करते थे इसी एरिया में। लेकिन शाहजहां की जब डेथ हो गया तो उसके फादर की बॉडी उठाकर एक अंडरग्राउंड रास्ते से रिवर लेकर सीधा ताजमहल ले जाकर समाधि बनी। और वीर जी, आपको मालूम होगा मुस्लिम धर्म में 5 टाइम का नमाज अलाउड है, लेकिन नमाज से पहले फेस वॉश वुजू किया जाता है। ये ऊपर वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक उस टाइम का जी, अंडरग्राउंड पानी आता है, फाउंटेन से पानी निकलता है, शाहजहां वजू कर कर ऊपर नमाज के लिए जाया करता है। अच्छा, अभी जाएंगे देखना। अच्छा अच्छा जी, अच्छा इतने से ये इधर भी विजिट कर सकते हैं? विजिट पूरा अच्छा। कहीं भी जा सकता था, कोर्ट में, कोर्ट से आउटसाइड। अच्छा, कोर्ट में जा सकते थे, कोर्ट से बाहर नहीं। वीर जी, हाउस घर के अंदर में कर दिया, लेकिन पानी को 10 से 12 फीट तक मुगल लोग ऊपर निकाला करते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के, विदाउट मशीन के, विदाउट प्रेशर के। लेकिन प्रेशर बना कैसे करते? एक तो हाइट का प्रेशर, क्योंकि ऊपर से आप जितना पानी छोड़ोगे उतना स्पीड पे नीचे आएगा। और सेकंड प्रेशर, जो वाटर टैंक है, फाउंटेन की जो पाइपलाइन है, वाटर टैंक के जो
लगी हुई है, स्टार्टिंग में काफी मोटी है, जब नजदीक आती जाएगी फाउंटेन से हाफ इंच तो बीच का प्रेशर और बन के स्पीड वो स्पीड से आता है। यहां से जैसे यहां पे आ गया, पर इस टैंकी में कहां से आया? वर्कर लोग मशक के थ्रू। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भरते थे और यहाँ से ताजमहल भी दिखता है जैसे, लेकिन बंद है। बंद है आपको दिखाते हैं? हाँ जी, क्योंकि वो बताते थे वो दिखता है। और ये देखिए ताजमहल दिख रहा है यहाँ से, कोई नहीं है। कलरफुल स्टोन है जो मून लाइट में चमकते हैं। जो उसने वहाँ नहीं दिखाया मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, चाहे कितना भी क्राउड हो वो पॉइंट आपको जरूर विजिट कराऊंगा। ये देखिए जब मून की लाइट पड़ती है ना स्टोन के ऊपर तो ये ऐसा नजर आता है। अरे कमाल है, वाह वाह, सही लग रहा है। गार्डन देख रहे हैं आप, मुगल समय में नॉट गार्डन, मुगल समय में लेडीज का बाहर जाने का परमिशन नहीं, इसीलिए उनके लिए शॉपिंग मॉल लगाया गया है जिसको बोला जाता है मीना बाजार। मीना बाजार, अच्छा यहाँ से नाम पड़ा है मीना बाजार। लोग नहीं, ओनली फॉर लेडीज आया करती थी बाहर से सामान लेकर, पैलेस की लेडीज की यहाँ वीआईपी एंट्री हुआ करती। ठीक है, ओनली लेडीज बेचने वाली लेडीज ही खरीदारी करने वाली। तो फिर वो अपना जो भी चाहिए जिसमें ले जाती थी, तो वो बेसिकली मतलब उनका साजो सजा का सामान होता था, अदरवाइज है ना। और कुछ तो नहीं, ये नीचे देख रहे हैं पत्थर में होल नजर आ रहा है। हाँ जी, मीना बाजार लगाते व्हाइट बिल्डिंग दीवाने खास, मुगल टाइम का पार्लियामेंट हाउस, मॉडर्न में महल के अंदर में बाहर, ब्लैक स्टोन साइड में बादशाह बैठा करता व्हाइट वाले पर मंत्री, बाकी के सारे लोग फ्लोर पर बैठे करते इधर मंत्री। तो मंत्री के मतलब मंत्री का तो मंडल होता। अच्छा बीरबल जो, अच्छा अकबर बीरबल, तो जब बीरबल की जब कहानी तो उसमें अकबर के बाद और राजाओं के बाद, यानी अकबर के जो नौ रत्न थे, अकबर पढ़ा लिखा जरूर नहीं था लेकिन अपना जितना भी साम्राज्य चलाया उसने नौ रत्नों के साथ, और लेकिन नौ रत्नों में सबसे ज्यादा बीरबल, तानसेन, मानसेन, क्योंकि फतेहपुर सीकरी आप जाओगे, मानसेन जोधा का भाई, जोधा का भाई साला, यानी अकबर का। यस, ये भैया बहुत खतरनाक गाइड कर रहे हैं, मजा आ गया। बिग नजर आएगा मतलब कि, अच्छा दूर से देखेंगे तो छोटा ही नजर आ रहा है। ये सारा रिवर था जो गार्डन देख रहे हैं। हाँ जी, रिवर था लेकिन सूख गया तो गवर्नमेंट ने गार्डन बना दिया। ठीक है, अब इधर गार्डन रोड हर एक चीज क्लियर दिख रहा था, बैक साइड आकर ओनली सिर्फ ताजमहल। हाँ मतलब जब हम पानी से देख रहे तो हमें छोटा लग रहा था कि सरफेस एकदम प्लेन था, तो अब इनके साथ देख रहे हैं तो वो ताजमहल बड़ा लग रहा है। हाँ ऊपर का बेस क्लियर नजर आता था, ऑप्टिकल नजरों का धोखा। और यहाँ से अमन भाई वीर जी हम लोगों को यहाँ से नीचे एक्सिट जाना है, लेकिन आप दोनों को केयरफुल होकर लेफ्ट साइड से चलना है, राइट साइड के स्टेप ट्राइंगल है, पांव स्लिप होने का। ठीक है ठीक है। दीवाने खास, ये हमारा वीर जी लास्ट पॉइंट होता है दीवाने आम, लोकल ऑडियंस, पब्लिक कोर्ट, किंग अप साइड पर, मिनिस्टर डाउन साइड पर, लोकल पीपल सारा फ्लोर पर। अच्छा, आप दोनों लोग यहाँ यार जितने भी नज़र आ रहे हैं हम लोगों को इस साइड के, सारे डिफरेंट डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, अलग अलग। एग्जिट गेट देखिए हाफ नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जिट गेट से फेस को इस साइड करोगे सारे पिलर सिमेट्री में नज़र आएंगे, वन क्यू में। ऊपर के आर्चेस क्लियर, किंग का मेन सिंहासन क्लियर, ऐसा क्यों? इसका रीज़न आपको एग्जिट गेट से बताएंगे मोबाइल पर। ऊपर के आर्चिस क्लियर, किंग का मेन सिंहासन क्लियर, इसके आर्किटेक्ट मोहम्मद कासिम फ्रॉम ईरान, इसको इस एंगल से बनाया है, किंग जजमेंट करेगा, जो भी जनता आएगी किंग को आदाब कर पैलेस में एंट्री मिलेगी। हम लोग इस साइड गए पूरा फोर्ट ऐसे विजिट करने के बाद वापस यहाँ से एग्जिट। हाँ जी, यहाँ से हम चले गए थे, पूरा राउंड लगा के आए हैं यहाँ से बाहर। ठीक है, फिनिश होता है
कैसे लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशीर अहमद। और आपका अपना ये नंबर दे दीजिए, मैं ना वीडियो में डाल दूंगा। और इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया और बहुत ही अच्छी पिक्चर क्लिक करी, जैसे लगा रहा कि प्रोफेशनल कोई क्लिक कर रहा है। और मैं आप इस वीडियो में डाल दूंगा थोड़ी बहुत, आप देखना इनका काम, और नंबर भी डाल दूंगा अगर किसी ने आगरा फोर्ट आना है, और इनको आप कॉल करके वेट कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। चलो थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, हम आ गए अपने रूम में, दोनों जने आ गए, घूम आए, ताजमहल भी देख लिया और आगरा फोर्ट भी देख लिया। ताजमहल का अच्छा था एक्सपीरियंस, बट आगरा फोर्ट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि गाइड ने बहुत अच्छा गाइड किया। तो हमारा ऑलरेडी ये बेस्ट टूर था, तो अच्छा गया है। और अब हम कल कोशिश करेंगे आपको गुरुद्वारा साहब लेके जाएंगे, जो यहाँ पे है आगरा में गुरु का थान, और आगे हम बाकी कुछ अगर देखते हैं तो साथ में शेयर करते हैं। चलो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।